नमस्कार दोस्तों, हिंदी वेब में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा हम ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक साइट में जाएंगे जिसका नाम है nvsp.in। इस साइट में जाने के बाद हम थोड़े नीचे आते तो नीचे यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर। हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हम फॉरम नंबर 6 में चले जाते हैं। इस फॉरम में जाकर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। आपको जिस भी भाषा में ये फॉरम भरना है वो भाषा यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे गुजराती है, मराठी है, जो भी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट कर सकते हो। और सेलेक्ट करने के बाद हम थोड़े नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ से हमें जो भी राज्य सेलेक्ट करना है वो राज्य सेलेक्ट करेंगे। राज्य सेलेक्ट करने के बाद हमारे आसपास जो भी क्षेत्र है, जैसे विधानसभा क्षेत्र या जो भी सिटी है, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो नाम है वो नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो नाम आपका है वो हिंदी में वर्डों में लिखना पड़ेगा, हिंदी वर्ड में लिखना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको हिंदी कीबोर्ड दिखे देगा। आप इसके द्वारा भी कर सकते हो। जब आप इंग्लिश में नाम टाइप करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको सरनेम लगाना है। आपका जो भी सरनेम है वो यहाँ पे लगा सकते हो। आपकी जो कास्ट है, आपका जो सरनेम है वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। सरनेम लगाने के बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें जो भी लिंक है लिंक सेलेक्ट करना है। लिंक सेलेक्ट करने के बाद आपका जो बर्थडे है वो बर्थडे यहाँ से सेलेक्ट करना है। आप चाहो तो यहाँ से फिक्स जो आपका आज की डेट में उम्र हुई है वो उम्र भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे आने पर हमारा जो राज्य है राज्य सेलेक्ट करना है, उसके बाद जिला सेलेक्ट करना है, और उसके बाद सिटी या शहर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपका जो भी स्थान है जन्म स्थान वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो नीचे आते तो हमें यहाँ पे अपने मदर या अपने फादर का नाम जो भी सिलेक्ट करना है, इन दोनों में से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको जो सिलेक्ट करना है यहाँ से सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे आपका जो भी संबंध है वो संबंध सेलेक्ट करना है, जैसे मदर है, फादर है या हस्बैंड है, जो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम नीचे आते तो नीचे यहाँ पे हमें जो भी अपना घर का पता है वो पूरा डिटेल्स में लिखना है। सबसे पहले मकान संख्या है, उसके बाद जो क्षेत्र है वो क्षेत्र लिखना है, उसके बाद आपका जो ग्राम या नगर है वो नगर लिखना है यहाँ पे, फिर आपका जो डाकघर लगता है वो डाकघर भी आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नीचे हमें कोड दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको कोड लगाना है। कोड लगाने के बाद नीचे आपको जो तहसील है वो तहसील यहाँ पे लगानी है। उसके बाद जिला चुनना है आपको कौन से जिले में आप रहते हो या गाँव के आसपास कौन सा बड़ा जिला, वो जिला यहाँ से सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लगाना हो मोबाइल नंबर लगा सकते हो, और आपको अपना ईमेल आईडी लगाना हो ईमेल आईडी लगा सकते हो। आप जो यहाँ पे जो रेड रेड डॉट देख रहे हो, यहाँ पे जो देखो रेड जैसे स्टार दिखाई दे रहे हैं, आपको ये आपको पढ़ना अनिवार्य है। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा तभी ये फॉर्म आप फिल कर पाओगे, वरना इसकी प्रोसेस आगे नहीं होगी। इसलिए आपको जहाँ भी ये रेड पॉइंट दिखाई दे वो आपको पढ़ना जरूरी है, और जहाँ भी रेड पॉइंट नहीं है उसको आप खाली रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा तो ये कहना है कि आप पूरा फॉर्म फिल कीजिए जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आए, और या फिर कोई भी दिक्कत आए तो आपको डायरेक्ट मोबाइल नंबर के द्वारा या ईमेल आईडी के द्वारा आपको बताया जाएगा। उसके बाद नीचे दिया गया आपके फैमिली के अंदर जिसका भी वोटर आईडी कार्ड बना है उसकी डिटेल्स यहाँ पे भरनी पड़ेगी। तो आप भरना चाहते हो तो यहाँ पे भर सकते हो, जैसे नाम है, फिर उसका कौन सा रिलेशन है आपके साथ, उसका वोटर आईडी कार्ड नंबर वगैरह जो भरना है वो यहाँ से भर सकते हो। दोनों में आपको भरना पड़ेगा, यदि नहीं भरोगे तो भी चलेगा, वो अनिवार्य नहीं है। और नीचे आने के बाद आपको अपने दस्तावेज अपलोड करने हैं। दस्तावेज के अंदर आप सबसे पहले तो आप इसमें फ़ोटो अपना अपलोड करोगे, और वो फ़ोटो 100 KB के अंदर अंदर होना चाहिए, 100 KB से बाहर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ यहाँ पे कोई लगाना पड़ेगा, जैसे वोटर आईडी कार्ड है या फिर लाइसेंस वगैरह, जो भी आपको यहाँ पे पैन कार्ड वगैरह जो भी लगाना है वो एक लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ यहाँ पे कुछ लगाना पड़ेगा। मैं आपको इसकी डिटेल्स अपने लिंक पे लगा लूँगा। आपको उनके अंदर से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट इसके अंदर अपलोड करने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट 100 KB के अंदर होने चाहिए। यदि आप 100 KB के बाहर कोई बड़ी फाइल इसके अंदर लगाते हो तो वो इसके अंदर सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आप मिनिमम 100 MB के अंदर ही इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करें। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी डिटेल लगानी पड़ेगी, आप कब से आप मूल निवासी, यहाँ पे उसकी डेट लगानी पड़ेगी, जो भी डेट आपको लगानी है वो यहाँ से आप लगा सकते हो। उसके बाद यदि आपका आईडी प्रूफ पहली बार बना रहे हो तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है इस या किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामांकन में मेरा नाम पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। यदि आपका कोई पहले से वोटर आईडी प्रूफ नहीं है तो आपको इस पर क्लिक करना है, और आपका पहले से बना हुआ है तो आपको जो सेकेंड ऑप्शन है जहाँ पे लिखा मेरा नाम
नीचे लिखित राज्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक प्रमाणी में सम्मिलित कर लिया गया, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। आपने जो भी डिटेल उसके अंदर भरी थी वो डिटेल आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। आपका नाम है, क्षेत्र है, उसका पता है, तो उसको कब जारी किया गया, उसकी डेट है, वो सब आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। यदि आप पहली बार बना रहे तो आपको सबसे पहले जो ऑप्शन दिया गया उस पर क्लिक करना है और आपको जगह और डेट का नाम भरना, किस तारीख से आप उसको भर रहे हैं वो तारीख आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया हो इसको सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद फिर इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे लिखा भेजे या सबमिट करें। हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है वो चला जाएगा और ये आपको कम से कम 45 दिन के अंदर आपके पास आ जाएगा। और इसके लिए सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन करने के लिए गवर्नमेंट से एक आदमी आएगा और उसका वेरिफिकेशन करके चला जाएगा, उसके बाद ये आपका प्रोसेस में लगेगा। तो आज आपने देखा कि हम ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं और उसको किस तरह से हम एडिट कर सकते हैं, मतलब आपको वापस उसको चेंज करना चाहते हो तो किस प्रकार से चेंज कर सकते हो। थैंक यू।